भाई क्या मोबाइल में टाइम देखना गरीबों की निशानी है? कभी आपने ऐसा सुना है? ऐसा बोला जाता है ना, इंटरनेट है, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग बातें हैं कि मोबाइल में टाइम देखने वाले लोगों की निशानी होती है गरीब हैं, छोटी सोच वाले लोग हैं। अमीरों की निशानी होती है, जो अमीर लोग होते हैं, वॉच पहनना, घड़ियों में टाइम देखना। इसके क्या एक्चुअल रीजंस हैं? अब क्योंकि स्मार्टफोन हर किसी के पास है, लेकिन वॉच बहुत कम लोगों के पास है, आई मीन बहुत कम लोग वॉच पहनते हैं। तो इसकी क्या सच्चाई है, इसके क्या एक्चुअल रीजंस हैं? कुछ टेक्निकल रीजंस हैं, कुछ साइकोलॉजिकल रीजंस हैं। देखो, जिन लोगों को ये लगता है कि वॉच पहनने का मतलब सिर्फ इतना ही तो है कि टाइम देखना, तो ये बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि फैशन एक्सेसरी का बहुत बड़ा पार्ट होता है, बहुत अहम पार्ट होता है वॉच। अभी देखना, किसी की पर्सनैलिटी में अलग ही लुक आ जाती है वॉच पहनने के बाद में, तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है। दूसरा रीजन है ट्रेडिशन एंड लेगेसी। जो वॉच है वो इतिहास से चलती आ रही है, पुरानी विरासत में लोगों को मिलती है, किसी के बाप की, दादा की, माँ की, मम्मी पापा की घड़ियाँ होती हैं, तो वो निशानी बन जाती है, सेंटिमेंटल वैल्यूज जिनको बोलते हैं, या फिर कोई फ्रेंड किसी को गिफ्ट कर दे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ऑफिस में, तो लोग उसको साथ रखना चाहते हैं, पहनना चाहते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जो है घड़ी पहनने का। तीसरा रीज़न है प्रोफेशनलिज्म। देखो, आप कहीं पे जॉब करते हैं, ऑफिशियल बंदे हो आप, और कोई मीटिंग अटेंड कर रहे हो। सबसे बेस्ट एग्जांपल मुझे याद आ गया, आप कोई मीटिंग अटेंड कर रहे हो, खत्म होने में कितना टाइम रह गया है, शुरू होने में कितना टाइम रह गया, बार बार टाइम देखना पड़ता है। तो वहाँ पे क्या आप जेब से मोबाइल निकाल करके देखोगे? बाकी बंदों को क्या लगेगा? इसके फ़ोन आ रहे हैं बार बार, क्या नोटिफिकेशन आ रहे हैं, मैसेज चेक कर रहे हैं, भद्दा सा लगता है। कहीं पे आप खाना खा रहे हो किसी के साथ, समझ रहे हो, मोबाइल को वहाँ पे ऐसी जगह, कई सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे मोबाइल को छेड़ना गलत होता है, तो वहाँ पे भी वॉच जो है एक बहुत अच्छी चीज़ है। ऑफिस में तो मतलब बंदा इतना डिसेंट लगता है ना फॉर्मल कपड़ों में और वॉच पहनने के बाद। एनीवेज, चौथा रीज़न है इजी एंड कन्वीनियंस। बार बार जेब से मोबाइल निकाल करके टाइम देखने में टाइम वेस्ट होता है, ऑब्वियसली वॉच में आप बार बार देख सकते हो, इजी है, कन्वीनियंस है, टाइम बचाता है। आप कहीं पे ड्राइविंग कर रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, भीड़ में फंसे बैठे हैं, तो मोबाइल को निकालना वहाँ पे भी डिफिकल्ट हो जाता है। ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहूँगा इस पॉइंट में, तो टाइम बचाता है, ठीक है। अब बात करना चाहूँगा टेक्निकल रीज़न के बारे में, जो कि बहुत ज़रूरी है, डिस्ट्रैक्शन। देखो, मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मोबाइल में टाइम देखने के लिए हम दिन भर में कम से कम 40 से 50 बार मोबाइल को ऐसे उठाते हैं, देखते हैं, ठीक है। उनमें से 10-15 बार ऐसा भी होता है, कोई नोटिफिकेशन आया, किसी का मैसेज आया, कुछ याद आ गया, सोशल मीडिया में घुस गए, आए थे टाइम देखने के लिए लेकिन मोबाइल में घुस गए, टाइम वेस्ट हो गया, जो भी हुआ, ठीक है। लेकिन वॉच पहनने में वो सब चीज़ें साइड में रह जाती हैं, मोबाइल के साथ हमारी बॉन्डिंग जो है ना वो कम हो जाती है, और कम ही रहे तो अच्छा है। कभी आपने नोटिस किया है, जब भी बात आती है मोबाइल एडिक्शन को छुड़ाने की, तो सबसे पहले बताया जाता है कि मोबाइल के जो नोटिफिकेशन है उनको ऑफ कर दो, ताकि बार बार वो पॉपअप्स ना आए और हम मोबाइल में ना घुसें, मोबाइल को ना छेड़ें। अब टाइम देखने के लिए दिन में कितनी बार मोबाइल को यूज़ करते हैं, तो एक आदत सी बन जाती है मोबाइल को छेड़ने की, मोबाइल को टच करने की, यूज़ करने की, राइट? तो ये भी बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अगर आप वॉच पहनते हैं तो मोबाइल के साथ इतनी छेड़खानी नहीं करनी पड़ती, ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन बैटरी सेव भी होती है अगर आप मोबाइल को बार बार ना छेड़ेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी, लेकिन होती है। तो कंक्लूजन क्या है? मेरे हिसाब से अमीरी या गरीबी वाली ऐसी कोई बात नहीं है भाई। आईफोन रखने वाले भी बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो घड़ियाँ नहीं पहनते, लेकिन हाँ, वॉच पहनना अच्छी चीज़ है, सही है, जो पहनता है कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, इनफैक्ट मैं कहना चाहूँगा। और जो मोबाइल में यूज़ करते हैं वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आप मुझे बता सकते हैं कि आप टाइम देखने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल का या वॉच का, और आपका एक्सपीरियंस कैसा है? ये वीडियो भी आप देख सकते हैं, स्मार्ट वॉच वर्सेस ट्रेडिशनल वॉच, कौन सी ज़्यादा बेटर है, किसके क्या फ़ायदे हैं, और वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बता देना। सी नेक्स्ट वीडियो, बाय।